हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, अगर आप गूगल पे यूज करते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि गूगल पे से हम किसी को मतलब डायरेक्ट बैंक में कैसे पैसा भेज सकते हैं। मतलब हम तो गूगल पे मतलब जो गूगल पे यूजर होता है उसको तो हम उसके नंबर से भेज देते हैं, मगर हम किसी भी दूसरे मतलब कि जो गूगल पे नहीं भी यूज करता है उसके बैंक अकाउंट में कैसे भेज सकते हैं पैसे, वो आज हम सीखने वाले हैं, मतलब कोई भी बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों, उसके लिए करना क्या, आपने अपना गूगल पे ऐप ओपन कर लेना है। तो मैं अपना गूगल पे ऐप ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल पे दोस्तों ऐप ओपन करते हो तो इस तरह का आपको जो है कि मिल जाता है ऑप्शन, बहुत सारे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसका दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू पेमेंट पे ऑप्शन पे जाना है। उसका दोस्तों आपने जैसे एक फ़ोन नंबर पे किसी को भेजना चाहते हो तो यहाँ से फ़ोन नंबर पे भेज सकते हो। डायरेक्ट आप देख सकते हो फ़ोन नंबर, यहाँ बैंक अकाउंट दिया है। बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए दोस्तों आपने किसी भी बैंक पे किसी को भेजना चाहते हो यहाँ बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेना। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट नंबर डालना है, जिस बैंक पे मतलब जो बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आपने उसका बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है पहले। तो मैं पहले यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। उसका दोस्तों री इंटर अकाउंट नंबर डालना है ताकि गलत ना हो, इसके वजह से वो दोबारा डलाया जाता है। तो सेम अकाउंट नंबर फिर से डालना, वही जिस पे भेजना है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही जो है कि टाइप कर देता हूँ। उसका दोस्तों यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको डालना होता है, जो कि हर बैंक का होता है, हर ब्रांच का अलग अलग होता है। अगर आपको नहीं पता था, आप गूगल से भी निकाल सकते हो, या मतलब आपके जो है कि बैंक मतलब जो पासबुक होता है उसका उसके मतलब पासबुक में भी होता है आईएफएससी कोड, या गूगल से भी निकाल सकते हो। तो मुझे अपना आईएफएससी कोड याद है जिस खाते पर मतलब पैसा भेजना है मुझको, तो यहाँ पर आईएफएससी कोड वो मैं अपना डाल लेता हूँ। दोस्तों आईएफएससी कोड आपको सही से डालना होता है, नहीं तो पैसा नहीं जाएगा। जो एकदम पूरा एकदम कि अगर कुछ भी गलत होगा तो आपका पैसा जाएगा, नहीं तो मैं अपना जो है कि आईएफएससी कोड यहाँ डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो कि सही से डाल दिया अपना जो आईएफएससी कोड होता है, यहाँ पे सही से डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उसका नाम डालना है, जो मतलब जिसको पैसा भेज रहे हो उसका यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है। तो मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ क्योंकि मैं अपने खाते पर भेज रहा हूँ। दोस्तों नाम का कोई इशू नहीं है वैसे, अगर आपका नाम नहीं भी डालते हो या गलत भी डलता है तो कोई इशू नहीं है उसका, आपका बस आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। तो मैं अपना यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, ठीक है। दोस्तों नाम डालने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना। तो मैं अपना कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, तो देख सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमाउंट डालना है, जितना अमाउंट आप पैसे भेजना चाहते हो। तो मैं 100 रुपये भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 100 रुपये जो है कि मैं डाल दूँगा। यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हो कि आप किस लिए पैसे भेज रहे हो, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरो पे क्लिक कर लेना है, तो एरो पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कौन सा बैंक से भेजना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जितने बैंक ऐड रहेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा एक ही बैंक ऐड है तो इसीलिए मैं इससे भेज देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर लेना है, पे पे क्लिक में दोस्तों यहाँ पे लोकेशन अलाउड कर देना है, क्योंकि न्यू अपडेट में लोकेशन अलाउड करना पड़ता है, तो इसको अलाउड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपना UPI पिन डाल देना है, जो आपका UPI पिन होगा यहाँ पर आपने वो डाल देना है। तो मैं अपना UPI पिन डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो है कि पैसे चला गया सक्सेसफुल, मेरा कट गया, ठीक है। अब देख सकते हो आप, तो पैसे जो है कि इस तरह से भेज सकते हो आप किसी के भी बैंक अकाउंट में, मतलब कि बगैर गूगल पे UPI, अगर वो UPI यूज नहीं कर रहा गूगल पे का तब भी आप भेज सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाकर देख सकते हो पैसे गया कि नहीं गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी 100 रुपये भेजे, यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ देख सकते हो कि जो है कि पैसे यहाँ से जो है कि चला गया है, देख सकते हो चला गया, सक्सेसफुल हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी के भी मतलब अकाउंट में गूगल पे से मतलब पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, अगर वो गूगल पे यूज नहीं कर रहा है फिर भी। तो दोस्तों और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।